नमस्कार सारे भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की जो हमारी वीडियो हो रहेगी मारुति सुजुकी की वैगनार गाड़ी पे, इसके हम माइनर सर्विस करने वाले हैं। माइनर सर्विस में क्या क्या काम होता है और क्या क्या सामान कितने कितने का, मैं पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना वीडियो को, आप पूरी देखना वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा सर्विस का काम है, हम इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेंगे, तो चलो टेस्ट ड्राइव लेने चलते हैं। तो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पर तो भाई हम आ गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसका सस्पेंशन वगैरह। सस्पेंशन में तो वैसे कोई नॉइस नहीं है और मिसिंग भी नहीं है कोई गाड़ी में। एक बार हम इसका अलाइनमेंट चेक करते हैं, गाड़ी की प्रॉपर रोड आ जाए फिर उसका अलाइनमेंट चेक करते हैं। तो आज हमारी गाड़ी की सर्विस कर रहे हैं सोहेल जी। सबसे पहले हम इसका एयर फिल्टर खोलेंगे। एयर फिल्टर खोल के बाहर निकालो भाई। तो पुराने एयर फिल्टर हमने इसका निकाल लिया, देख लो पूरा चौक हो रखा है एयर फिल्टर। इसके अंदर हम मारुति सुजुकी का ही जेन्युइन एयर फिल्टर डाल रहे हैं। 210 रुपये MRP है इसकी। डाल दो भाई इसके अंदर एयर फिल्टर। सारा सामान हम जेन्युइन यूज़ करेंगे गाड़ी के अंदर और हर एक चीज़ की MRP भी बताऊँगा मैं आपको, तो आप बाद में अपने आप कैलकुलेट कर लेना कि सर्विस में कितने पैसे लग रहे हैं। अब इसके हम प्लग खोल के चेक करें प्लग की कंडीशन कैसी है, चेंज होने वाले हैं, साफ़ करके लग जाएंगे। तो एक बार प्लग खुल जाए फिर उसके बाद मैं प्लग की कंडीशन दिखाता हूँ आपको कि प्लग की कंडीशन कैसी है, चेंज होने वाले हैं या फिर वही साफ़ होकर लग जाएंगे। इसके तीनों प्लग हमने खोल लिए, प्लग की कंडीशन तो ठीक है, बस हम इसको साफ़ करके लगा देंगे। बाकी प्लग की कंडीशन ठीक है, चलो भाई साफ करके इसको लगा दो। तो भाई हम प्लग वगैरह हमने क्लीन करके लगा दिया, अब इसके अंदर हम वाइपर वॉशर डाल रहे हैं। एक मिनट दिखा दो, ये भी हम मारुति सुजुकी का जेन्युइन डाल रहे हैं इसके अंदर। एक बार पैकेट दिखा दो इसका। स्क्रीन वॉश डालने के बाद इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं। पानी डाल दो भाई, पूरा करो इसको। स्क्रीन वॉशर हमेशा डालना चाहिए भाई इसके अंदर, शीशे के अंदर स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते स्क्रीन वॉशर डालने से। तो स्क्रीन वॉशर जब भी आप सर्विस करवाएं गाड़ी की, स्क्रीन वॉशर जरूर डलवा लें इसके अंदर। तो अब इसका हम कूलेंट चेक करेंगे एक बार, कूलेंट की कंडीशन कैसी है। कूलेंट तो है नहीं भाई, इसके अंदर पानी है। कूलेंट की तो भाई कंडीशन ख़राब है, देख लो पूरा पानी बन चुका है। ये तो खत्म है, तो भाई खत्म है बिल्कुल। हाँ तो ये चेंज होगा, तो चलो इसके अंदर हम कूलेंट भी चेंज करेंगे। कूलेंट के भी मैं MRP आपको दिखाऊंगा कितने का। तो भाई कूलेंट हमने इसका खोल दिया, देख लो सारा जो भी ख़राब कूलेंट था वो सब निकल गया इसके अंदर से। कूलेंट की बोतल भी हमने साफ़ करके रख दी है। अब इसके अंदर हम जो कूलेंट यूज़ कर रहे हैं मारुति सुजुकी का जेन्युइन कूलेंट यूज़ कर रहे हैं, देख लो आप मारुति सुजुकी का जेन्युइन EC Star कंपनी का आता है मारुति सुजुकी में। ये प्री डाइल्यूटेड कूलेंट है, मतलब इसके अंदर पानी मिलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, पहले से ही पानी इसके अंदर मिक्स है। इसकी जो MRP है 530 रुपये MRP है, 4 लीटर होता है ये, देख सकते हैं। इसकी टी टाइट करो सुहेल जी, टी टाइट करो इसकी, फिर कूलेंट डालें इसके अंदर। खोल के दिखाओ कूलेंट सील, देख लो भाई अभी आपके सामने ही खुल रही है इसकी सील भी। ओके एक मिनट सील लगाना, ये देख लो पैक है पूरा कूलेंट आपके सामने ही खोलिया मैंने। ये डालो भाई बढ़िया से कूलेंट डालो इसके अंदर। कूलेंट भाई इसका पूरा कर दिया हमने, देख लो कूलेंट बोतल में भी कूलेंट पूरा कर दिया है। कंडीशन देख लो कूलेंट की। चलो भाई हम ढक्कन लगा देते हैं इसका। कूलेंट पूरा करने के बाद हम इसका बैटरी का पानी चेक करेंगे, किसी भी पॉइंट में पानी कम तो नहीं है। एक बार खोल के दिखाओ, पानी कम तो नहीं है किसी में, पानी फोकस हो पा रहा है या नहीं। पानी तो ठीक है वैसे, पानी तो पूरा है सब में, देख लो आप। तो पानी हमें डिस्टिल्ड वाटर डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बैटरी का पानी भी ठीक है इसका। लेकिन हर सर्विस में चेक कर लेना चाहिए पानी इसका बैटरी का, इससे बैटरी की लाइफ बढ़ती है। अब इसका AC फिल्टर चेक करेंगे हम कि चेंज होने वाला है या नहीं, कैबिन फिल्टर भी कहते हैं इसको।
निकालो भाई बाहर, कंडीशन इसकी चेक करते हैं ये चेंज होने वाला है या नहीं। इतना ज़्यादा चौक नहीं है, हम इसको साफ़ करके लगा देंगे इसके अंदर एयर मार के। चलो भाई क्लीन करके लगा दो इसको। अब हम इसका ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे और ऑयल खोलेंगे, ऑयल को अच्छे से ड्रेन होने देंगे हम, फिर उसके बाद इसका ऑयल फिल्टर लगा के चैम्बर का नट लगा के इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ये ऑयल फिल्टर हमने इसका खोल दिया, ऑयल फिल्टर भी हम इसमें जेन्युइन यूज़ कर रहे हैं मारुति सुजुकी का, 94 MRP आप देख सकते हैं। खोल दो भाई इसका ऑयल, खोल दो अच्छे से, ड्रेन होने दो इसको। ऑयल अच्छे से ड्रेन हो गया, अब इसका इसका हम चैम्बर का नट लगाएंगे। लगा दो भाई चैम्बर का नट बढ़िया तरीके से, अच्छे से टाइट कर देना, एक बार दोबारा चेक कर लेना। पहले भाई इसका पुराना ऑयल निकाल के ड्रम में डालो इसको, कंडीशन देख लो भाई ऑयल की, पूरा ख़राब हो चुका है। बस मैंने सर्विस थोड़ी लेट करवाई है इसकी, डाल दो भाई ऑयल। जो इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं टोटल का 10W40 ग्रेड यूज़ करें, काफ़ी बढ़िया तेल है ये। सील खोल के दिखाओ भाई इसकी, जब भी आप गाड़ी में तेल चेंज करवाएं सील ज़रूर चेक कर लें कि सील लगी हुई है या नहीं। ये देख लो एकदम सील पैक है अभी ये। डालो भाई तेल इसके अंदर, तेल की क्वालिटी चेक करो आप कितना बढ़िया तेल है। ऑयल का काम इसका कंप्लीट हो चुका है, अब इसके हम आगे के डिस्पैट और पीछे के ब्रेक शूज क्लीन करके लगाएंगे। अगर चेंज होने वाले तो हम इसको चेंज करेंगे, एक बार खोल के मैं दिखाता हूँ डिस्पैट चेंज होने वाले हैं या क्लीन होके लगेंगे। खोलो भाई टायर, तो डिस्पैट हमने इसके खोल लिए, डिस्पैट ख़त्म ही है एंड पे ही है बिल्कुल, तो डिस्पैट इसके हम चेंज कर रहे हैं। इसके अंदर मारुति सुजुकी की जेन्युइन डिस्पैट डाल रहे हैं, इसके MRP 960 रुपये। भाई डाल दो ये डिस्पैट इसके अंदर, अब इसके ब्रेक शू और ड्रम हम क्लीन करके लगाएंगे। एक बार खोल लें फिर मैं इसकी कंडीशन दिखाता हूँ, ब्रेक शू की क्या कंडीशन है और ड्रम की क्या कंडीशन है, कोई कट वगैरह तो नहीं लगा हुआ ड्रम में। तो भाई खोलो इसको फिर दिखाते हैं। पीछे के ड्रम हमने खोल लिया, ब्रेक शू में काफ़ी माल है अभी, देख लो आप ड्रम में भी कोई कट नहीं है, हम इसको क्लीन करके लगा देंगे अच्छे से। भाई बढ़िया से क्लीन कर दिए ऑयल, बस हमारा अब लास्ट काम रह गया इसकी लाइटें चेक करना। क्लिपर मारो भाई चारों इंडिकेटर, एक बारी बैक की लाइट भी चेक कर लेते हैं। ब्रेक मारो, ठीक है लाइटें सारी ठीक है इसकी। दो वॉशिंग इसकी हो गई है पूरी कंप्लीट, देख लो इंजन भी पूरा साफ हो गया है। अब ग्रीसिंग का काम रह गया इसका, बस ग्रीस लगा देंगे और सर्विस पूरी कंप्लीट हो चुकी है इसकी। लास्ट काम हमारा अब इस गाड़ी में ये बचा है कि हम इसके अंदर सर्विस का रिमाइंडर लगाएंगे। 1,96,924 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, हमने सर्विस का रिमाइंडर ये लगा दिया इसमें कि 1,96,000 पे सर्विस हुई है और 2,06,000 पे अब नेक्स्ट सर्विस होगी। 5 तारीख को सर्विस हुई है और अब नेक्स्ट सर्विस जब होगी वो कस्टमर हिसाब लगा लेंगे अपने आप। इससे कस्टमर को याद रहता है कि हम मुझे सर्विस कब करवानी है और सर्विस कब ड्यू हो रही है। तो यही था आज की इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में कोई भी काम करवाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको हमारी कॉन्टैक्ट की डिटेल, वर्कशॉप का एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर सब कुछ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो और वीडियो में किसी में मिलते हैं, कमेंट करके आप बता देना कि किस गाड़ी की सर्विस देखनी है आपने, मैं उस गाड़ी की सर्विस की वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा और आप उसको देख लेना।